एक सरल सा उपाय बताऊंगा जो मैंने किया है, हाँ जी। बहुत आती थी, बहुत बिल्कुल सरल उपाय। 2 लीटर पानी में काला नमक डाल के गर्म पानी में डाल के रख लो, वही पीते रहो, बस दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, खाली काला नमक। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, इतनी डकार आती थी मेरे को, बहुत ज्यादा। कुछ खाता था तो डकार, पीता था तो डकार, कुछ भी कर करता था डकार आती थी। मैंने एक दिन वैसे ही, वो महात्मा गांधी का कोई पोस्ट आ रखा था कि अपने लास्ट टाइम उन्होंने खाना वाना कम कर दिया था, तो उनको एनीमा देने के लिए वो गर्म पानी, मतलब उस गर्म एनीमा में जो है नमक डाल के डालते थे, तो उससे। तो मेरा दिमाग काम किया, जब यार एंट्रेंस जो एग्जिट डोर है वहां से अगर काला नमक डाल के स्टूल पास किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो ऊपर से क्यों नहीं किया जा सकता। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए रात को 2 लीटर पानी वाला, पूरी वो स्टील की जो कैन होती है उसमें, ताकि रात भर गर्म रहे, उसमें नमक डाला, 2 नमक, 2 चम्मच काला नमक डाला 2 लीटर पानी में। सुबह उठ के मैंने वही पानी पिया, उस दिन से मैं बिल्कुल एकदम ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन वही नमक डाल के पानी में वही पीता हूँ, दिन भर ठीक रहता है। सबसे बेहतरीन उपाय जो मेरे को लगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नमक डाल के रख लो, बस पी लो। बहुत जबरदस्त आइडिया लगा मेरे को तो ये, और मेरे पे काम किया, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है मेरे ऊपर ही, दूसरे का भी नहीं, खुद का अनुभव बता रहा हूँ, तो ठीक दूसरे का भी नहीं आती समझ में, लेकिन मेरा खुद का अनुभव रहा, बहुत बेहतरीन रहा। और मैं बताता हूँ, जिस आदमी को कॉन्स्टिपेशन रहती हो ना ज्यादा, उस आदमी को जिसकी बीपी की प्रॉब्लम ना हो, तो वो आदमी नमक का पानी पिए तो बहुत बेहतर रहता है उसके लिए, जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है ज्यादातर। ये तो अनुभव बता रहा हूं मैं अपने। और दूसरी बात, एक चीज और थी, एक जो कहते हैं ना लोगों को जो है मल, कई बार आपने सुना होगा पेशेंट से कि मल बंद के नहीं आता लोगों को, मल बिखरा बिखरा आता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं उसको ना, लूज मोशन कह सकते, लेकिन जब मल आता है तो बिखरा बिखरा आता है, उसमें भी ये चीज बहुत बढ़िया काम करेगी, विरेचन का काम करती है। अगर इसकी या तो ये दे दो, या फिर जिसको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है ना, उसको त्रिफला और इसबगोल भोजन के मध्य में 1 चम्मच इसबगोल मुंह में रखे, जैसे 4 रोटी खाता हो, 2 रोटी खाई, 2 रोटी खाने के बाद 1 चम्मच इसबगोल मुंह में रखा, आधा चम्मच त्रिफला, 1/4 कप, सॉरी 1/4 गिलास पानी में डाल के उसमें त्रिफला मिला के ऊपर से वो पी ले, और बाद में 2 रोटी खा ले, उस व्यक्ति की कॉन्स्टिपेशन की समस्या और मल का बंद के न आना की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाती है। ये अनुभव बता रहा हूं मैं अपने, हम तो अनुभवों के लिए तो हम काम कर रहे हैं। हाँ ये मैं अपने अनुभव बता रहा हूं। हाँ जी।